क्या खोया क्या पाया जग में, मिलते और बिछुड़ते मग में, मुझे किसी से नहीं शिकायत, यद्यपि छला गया पग पग में। ये मन से निकला हुआ दर्द है, ये एक कवि की कल्पना है। वो कवि जो ना जाने कितने करोड़ लोगों का राजनीतिक गुरु बना, वो जब बोलता तब सब शांत हो जाते। वो कवि जो आगे जाकर देश का प्रधानमंत्री भी बना, यानी अटल बिहारी वाजपेयी। देश में लोकसभा चुनाव का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी इस बार 400 पार का नारा लगा रही है। बीजेपी की ओर से अटल बिहारी वाजपेयी ही पहले प्रधानमंत्री बने थे। अटल उस बीजेपी का हिस्सा थे जब पार्टी के पास दो ही सांसद हुआ करते थे। हेलो नमस्ते, चुनाव से जुड़ा एक और किस्सा लेकर मैं मोहित ग्रोवर आपके सामने हाजिर हूँ। आज बात अटल बिहारी वाजपेयी की होगी, लेकिन ये बात उनके पहले चुनाव की हुई थी जिसमें अटल जी को हार झेलनी पड़ी थी। ये कहानी अटल बिहारी वाजपेयी के पहले लोकसभा चुनाव की है। साल 1951-52 में देश का पहला चुनाव संपन्न हुआ। बंपर बहुमत, या फिर यूं कहें कि एक तरफा लहर में कांग्रेस आसानी से सरकार बना ले गई। कुल 489 सीटों में से 364 सीटें कांग्रेस को मिली थी और इसी के दम पर जवाहरलाल नेहरू आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री भी बन गए थे। ये तो हो गई कहानी की भूमिका। अब मेन मुद्दे पर आते हैं। पहली लोकसभा चुनाव में लखनऊ की सीट पर भी मतदान हुआ और यहां से जवाहरलाल नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित चुनाव लड़ी और जीत भी गई। लेकिन एक साल बाद ही नेहरू ने अपनी बहन को नई जिम्मेदारी दे दी और संयुक्त राष्ट्र में भेज दिया। इस वजह से लखनऊ में फिर से चुनाव कराने पड़ गए। 1953 में लखनऊ में उपचुनाव हुआ और यह भी एक तरह का देश में पहला उपचुनाव का ही दौर रहा होगा। यहां से कांग्रेस ने अब सुराजवती नेहरू को मैदान में उतारा, जो जवाहरलाल नेहरू की रिश्तेदार ही थी। उस वक्त बीजेपी नहीं थी, तब जनसंघ हुआ करता था। जनसंघ ने भी अपना एक उम्मीदवार उतारा। एक नया लड़का जो पत्रकार था, धीरे धीरे अपने भाषणों की वजह से पॉपुलर हो रहा था, ये अटल बिहारी वाजपेयी ही थे। 29 साल की उम्र में अटल बिहारी वाजपेयी का ये पहला चुनाव था। क्योंकि ये उपचुनाव था तो जवाहरलाल नेहरू इस सीट पर प्रचार करने के लिए नहीं आए। खैर, एक राजनीतिक संघर्ष तो हुआ ही था। इस उपचुनाव में सुराजवती नेहरू को करीब 50,000 वोट मिले, जबकि अटल बिहारी वाजपेयी को करीब 34,000 वोट मिले और वाजपेयी चुनाव में तीसरे नंबर पर रहे। अटल बिहारी वाजपेयी जो बाद में जाकर 3 बार देश के प्रधानमंत्री बने, ये उनके लिए चुनावी करियर में पहली हार थी। खैर, ये उनके लिए एक तरह का अनुभव भी था। देश में दूसरे आम चुनाव साल 1957 में हुए। अटल बिहारी वाजपेयी फिर से चुनावी दंगल में उतरे, इस बार एक सीट से नहीं बल्कि 3 सीट से। 1957 में अटल बिहारी वाजपेयी ने लखनऊ, मथुरा और बलरामपुर से चुनाव लड़ा था। इसमें से वो सिर्फ बलरामपुर से ही जीते थे, बाकी 2 सीटें हार गए थे। मथुरा में तो वह 4थे नंबर पर रहे थे। खैर, भारतीय जनसंघ का जो मकसद था वो यहाँ पर पूरा हो गया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी को संसद में भेजना था। अब दिमाग में एक बात आती है कि आखिर अटल बिहारी वाजपेयी को 3 जगह से चुनाव क्यों लड़ाया गया। इसके पीछे जनसंघ की एक सोच थी। दरअसल साल 1953 में जनसंघ के सबसे बड़े चेहरे श्यामा प्रसाद मुखर्जी का निधन हुआ था। ऐसे में संसद में एक ऐसी आवाज की जरूरत थी जो जनसंघ के मुद्दों को उठा सके और लोग उसे सुने भी। इस दौर में ही अटल बिहारी वाजपेयी के भाषण पॉपुलर हुआ करते थे, लोग उन्हें सुनना चाहते थे और यही वजह थी कि जनसंघ चाहता था कि किसी भी तरह अटल संसद में पहुंच जाए, इसलिए उन्हें 3-3 जगह से मैदान में उतारा गया। सोचिए कि जिन अटल बिहारी वाजपेयी को पहली बार संसद में जाने के लिए इतना संघर्ष करना पड़ा था, वो बाद में जाकर देश के प्रधानमंत्री भी बने और वो भी 3 बार। वाजपेयी से जुड़े इस किस्से में इतना ही। आप TV9 डिजिटल के साथ जुड़े रहिए।